मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। एनसीपी के तरफ से बीजेपी की रीदा रसीद पर एट्रोसिटी का जो मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक रीदा रसीद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में रीदा रसीद के साथ में दो से तीन कार्यकर्ता और रहते थे, उन पर भी FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन गिरफ्तारी न होने की वजह से जो है एनसीपी पार्टी के जो शिकायतकर्ता है उन लोगों में काफी नाराजगी है। और आज जो है मुमरा शंकर मंदिर स्थित जो सुनीता ताई सातपुते का जनसंपर्क कार्यालय है, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये बात कही गई है कि अगर आने वाले दिनों में रीदा रशीद को मुमरा पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो जिस तरह से FIR दर्ज कराने के लिए एनसीपी पार्टी के तरफ से आंदोलन किया गया था, उसी तरह से एक बार फिर मुमरा शहर की सड़कों पर एनसीपी कार्यकर्ता गिरफ्तारी रीदा रशीद की करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। प्रवीण भाई, रीदा रशीद के ऊपर एट्रोसिटी का मामला जो दर्ज किया गया था उसी के संदर्भ में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो इसके बारे में क्या डिटेल और आप देना चाहते हैं? हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, इनके ऊपर जो रीदा रशीद ने झूठी 354 दाखिल की है उसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया था। उसके बाद में हमारे भाई शिवा जगताप, आप सभी ने देखा होगा कि जिस वीडियो में दिख रहा है कि शिवा जगताप भाई को और अन्य कोई भाइयों को, हमारे भाइयों को रीदा रशीद मंदिर से बाहर निकाल रही है, उसके ऊपर हम लोग ने एट्रोसिटी बड़े संघर्ष करके वो एट्रोसिटी दाखिल हुई हमारी, हमको बहुत लड़ना पड़ा, हमारी सच्चाई केस में सच्चाई थी, वीडियो था, प्रूफ था, तो भी हमको संघर्ष करना पड़ा उस चीज़ के लिए। वो संघर्ष के बाद हमारी एट्रोसिटी दाखिल की गई, पर आज 5 दिन हुए रीदा रशीद खुलेआम घूम रही है, सिकंदर खुलेआम घूम रहा है, छोटी आपा खुलेआम घूम रही है और अन्य 2-3 लेडीज़ का नाम है, तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ACP साहब से हम लोग रोज़ जाके मिल रहे हैं, DCP साहब से हम लोग मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना किस बड़े नेताओं के दबाव में दिखाई दे रहा है कि एट्रोसिटी जैसे गंभीर गुने में तुरंत अटक होना चाहिए, तो कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही मतलब हमको कहा जाता है कि हाँ नोटिस दी है, कार्रवाई चालू है, अरे 5 दिन हो गए तुम एक आरोपी को अरेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इसके खिलाफ हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और अभी हमारे भाई आगे बताएंगे। तो आगे और क्या करने वाले हैं अगर अरेस्ट नहीं किया तो एक हफ्ते तक? बंटी भाई आप बताइए। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे हमारे आमदार जितेंद्र और साहब के ऊपर रीदा रशीद जी ने गुनाह दाखिल किया तो उसके बाद में पुलिस ने गुनाह दाखिल करके लिया और साहब ने न्यायिक व्यवस्था का मान रखते हुए कोर्ट से जमानत ली और साहब कोर्ट से अभी आगे मामला कोर्ट में चलेगा। अब जैसे हमारे भाई शिवा जगताप ने भी एक मामला उनके ऊपर दर्ज किया है रीदा रशीद के ऊपर, तो ये एट्रोसिटी का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। एक मंदिर से किसी समाज के लोगों को इस तरह से हीनता से निकालना, बाहर करने का काम करना, ये उनके लिए ये मतलब शर्मनाक बात है। उनको भी ये बुरा लगा है, उनके समाज को बुरा लगा है, उसके ऊपर उन्होंने गुनाह दाखिल किया है। ये बात अलग है कि 13-14 घंटे का आंदोलन करने के बाद हमें ये गुनाह दाखिल करने का पुलिस ने गुनाह दाखिल करके लिया है, लेकिन चलो पुलिस ने आखिर में गुनाह दाखिल कर लिया, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था उन्होंने कहा। लेकिन अब गुनाह दाखिल होने के बाद में जिस तरीके से आमदार साहब ने न्यायिक व्यवस्था का आदर करते हुए जमानत ली है, क्या रीदा रशीद को अरेस्ट होगी? क्या पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर होने के बाद भी रीदा रशीद को पकड़ लेगी? और अगर ये सब मामलों में फिर न्याय व्यवस्था कहाँ पे, पुलिस व्यवस्था कहाँ पे? इतना बड़ा मामला दर्ज हुआ है, एक समाज की भावनाओं का मामला है, क्या उसमें भी पॉलिटिकल प्रेशर चलेगा और रीदा रशीद को कोई अरेस्ट नहीं होगी? रीदा रशीद को अरेस्ट होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसका हम पाठ पूरा करेंगे। आपको बुलाने का ही मतलब ये है कि आप एक समाज में समाज जागरूकता का माध्यम हो, आप ये चीज़ को उजागर करो और ये क्या चल रहा है, न्यायिक व्यवस्था कौन किस हिसाब से चला रहा है, पुलिस व्यवस्था कैसे चला रहा है, इसका हमने उस दिन विरोध किया था, इसको आप लोगों के सामने लाओ और पुलिस को ये आपके जरिए से हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो उस दिन गुनाह दाखिल करने के लिए आंदोलन किया, फिर अरेस्ट के लिए भी हम आंदोलन करने को पीछे नहीं हटेंगे। प्रवीण भाई, जो रीदा रशीद पे एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया है तो दरअसल ये मंदिर पर जो विवाद हुआ था उसको लेकर आपने दर्ज कराया है या मुमरा बाईपास पर ओपनिंग के दौरान आपसे विवाद हुआ था उस मामले को लेकर दर्ज कराया है? दोनों विवादों के ऊपर मामला दर्ज किया है। आप सभी ने वीडियो देखा रहेगा,
कि रिदा रशीद जी के साफ वर्ड है कि इनको मंदिर से बाहर निकालो। हमारे भाई इकबाल मुल्लानी साहब भाई की भी उसमें आवाज़ आ रही है कि हमको मंदिर से बाहर क्यों निकाल रहे हो, हम क्यों मंदिर से बाहर जाए। तो उनके 4 से 5 बार उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि इनको मंदिर से बाहर क्यों, हम निचले जाति के पिछड़े जाति के हैं, उनको मालूम है हमारी कास्ट क्या है, तो भी जानबूझकर हमारे शिवा भाई को वो नीचा दिखाने की कोशिश। और फिर वाई जंक्शन पे भी उन्होंने रिदा रशीद सिकंदर और उन लोग ने शिवा भाई को गलत वर्ड से बोला है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, ये बीजेपी वालों का प्रोग्राम है, और मारने की कोशिश मतलब आंग पे आने की कोशिश जानबूझकर मतलब लेडीज़ को आगे करने का कोशिश हो कर। अच्छा, आपके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं शमीम खान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं है? आखिर आंदोलन में तो वो थे, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो अध्यक्ष का भी काम होता है कि आपके साथ वो खड़े रहे, क्यों नहीं है वो? हमारे आंदोलन में वो आएंगे, हमारे आंदोलन में पूरी एनसीपी पार्टी दिखेगी, सभी एनसीपी पार्टी के नगर सेवक सभी पदाधिकारी आपको दिखेंगे। अगर हम लोग देख रहे मंगलवार तक अगर अरेस्ट नहीं होता है तो उसके बाद मंगलवार या बुधवार को हमारा बड़ा आंदोलन होगा पुलिस प्रशासन की तरफ से। इकबाल भाई, जिस तरह से आंदोलन की बात सामने आ रही है कि आंदोलन किया जाएगा अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, तो इस पर आपका क्या है? देखो, रिदा रशीद जो है क्या किस तरीके से एक मंदिर के अंदर बदतमीजी से बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि उन पर कोई हमला करना था, ये करना था। उस दिन आपने देखे होंगे रिदा रशीद और सिकंदर में 2-4 जन उनके साथ थे, बहुत सारे जेंट्स थे, सब आदमी थे, लेकिन एक औरत की इज्जत करते हुए उसके साथ किसी ने भी गलत बात नहीं किया। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें बोल दी, जिस बात को मेरे को बोलना बेहतर लग रहा है क्योंकि कुछ केसेस है मेरे पे पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से। उन्होंने कहा तड़ीपार और गुंडे टाइप के लोग वहाँ पे आए थे, ऐसा रिदा रशीद ने बोला। तो मैं उनको एक बात बता रहा हूँ, और ये बात अगर झूठ होगी तो ये आप प्रेस है, आपसे कोई झूठ बात नहीं है, और आप जाके निकाल सकते हैं, या तो मेरे पास में पेपर है। मेरे को लास्ट तड़ीपार जो हुआ है उसकी वजह क्या है तुम मालूम है? सेवालाल का मंदिर था ऊपर, थाना के अंदर मंदिर मस्जिद जो भी हैं रोड के पास में टूट रहे थे। आपको पता होगा लास्ट टाइम 2 साल पहले ये हाईकोर्ट का आदेश था, वो मंदिर मस्जिद जब टूट रहे थे तो मैंने उस मंदिर को जाके रोका, और टूटने के दूसरे दिन जाके बोला कि बाबा ये सेवालाल का मंदिर पूरे मुमरा के अंदर एक ही है, और उन लोग की उनकी आस्था से कहाँ जुड़े, वो सब्जेक्ट को डालते हुए मुझे तड़ीपार किया गया। यानी कि मैं समाज के लिए काम करते टाइम पे कई गुने मेरे पास में आए, मेरे पे गुना हो गए। ये कल के जो आए हैं ना उन लोग से मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं थे, जो लोग जुगाड़ अड्डे चला रहे, जो लोग क्या नहीं कर रहे, मैं इनके पास सामने चैलेंज करता हूँ। मेरे एक एक केस के बारे में मेरे पास में हिस्ट्री है, इनके पास इनके गुंडागिरी की क्या हिस्ट्री है मुझे पता है। एक टाइम लोगों को लोग डराते थे, लेकिन अभी डरने का माहौल नहीं बचा हुआ है, कोई किसी से यहाँ डरने वाले काम के लिए बैठा नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक लेडीज़ 354 दाखिल करती है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कहता चलो उसने 354 दाखिल की, उसके ऊपर हमारे साहब ने रूल्स के तहत जाके इंटरिम बेल ली, सब कर लिए, आज उसके ऊपर एट्रोसिटी दाखिल हो गई है, तो उस पर कार्रवाई कब होगी, उसको कब अरेस्ट किया जाएगा? और हम लोग इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि उसको पहले अरेस्ट किया जाए, और ये जो है जल्द से जल्द नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। शाहरुख सैयद, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? गिरफ्तारी की मांग हो रही है, अगर नहीं गिरफ्तारी होती है तो फिर जो है आंदोलन की बात कही जा रही है। हाँ ठीक है, एक और एक आंदोलन होगा इंशाल्लाह मुमरा में, और बढ़कर भाई सारी एनसीपी पार्टी इसमें शामिल होगी। इसमें आप पूछ रहे शमीम खान से लेकर शानू बना हर कोई शामिल होगा, और शहर का वापस वैसी वातावरण शायद से ख़राब होगा अगर उसको अरेस्ट नहीं करें तो। लेकिन ये भी शहर के लोग बोल रहे हैं कि आपका अगर आंदोलन है तो आप पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने आंदोलन करें, शहर के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। कौन लोग ही पता नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे को बोला कि ये आपने बहुत सही चीज़ की है, क्योंकि आमदार साहब को सब प्यार करते हैं, और लोगों ने हमको यही बताया कि ये बहुत गलत हुआ कि आमदार साहब के ऊपर गलत गुना दाखिल हुआ, इसका हम भी समर्थन करते हैं। पार्टी 12 से लेके सुबह तक अगर केस दर्ज नहीं हो रही है, आदमी हदबल हो जा रहा है, तो आदमी को ये कोई पहला आंदोलन नहीं होगा जहाँ पे चक्का जाम हुआ हो पूरी तरीके से। मुमरा के लिए बहुत सारे वेज हैं, बाईपास से भी लोग जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है पॉलिटिकल माइलेज बनाना है उनको। जो लोग बोल रहे हैं ना आंदोलन, उन लोग कितने आंदोलन कर चुके हैं, क्या क्या, उनको सीधी बात बोलिए। मैं टोरंट के बारे में इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा, प्रेस टोरंट के टाइम पे सैफ पठान को डायरेक्टली बोला गया था, मैंने बोला था कि ये ऐसा नहीं, ये सिचुएशन टोरंट की ऐसी है, अपने को इस तरीके से लड़ना चाहिए नहीं, लेकिन उनको पॉलिटिकल माइलेज बनाना था तो माहौल बनाते।
तो उन लोग उस तरीके से बोलते रहेंगे। आप भी इस आंदोलन जो पिछली बार हुआ था उसमें भी आप शामिल थी, अभी गिरफ्तारी की जो है मांग हो रही है। एक्चुअली देखिए, जिस तरह से अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल लॉ, हाँ, जिस तरह से 354 को एक गंभीर गुना समझ के तुरंत FIR दाखिल हुई, उसी तरह से एट्रोसिटी भी एक गंभीर गुना है, हाँ, और इसके ऊपर भी तुरंत एक्शन होना चाहिए। भले ये एक सेक्शन लगा के उनके ऊपर मैंने ये हो गया FIR कर लिया है, लेकिन FIR करके सिर्फ पेपर के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए पेपर से निकाल कर उसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है। जैसे एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, इस बात को इतना उछाला गया, उस तरह से मीडिया ने इस बात को उछालना चाहिए कि एक निचली जाति के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने जो अत्याचार किया, उसको मंदिर के प्रीमाइसेस से हकालने की कोशिश की, तो उनको अगर इसके अंदर, जबकि हमारे बाबा साहब का ही दिया हुआ संविधान है, इस संविधान के मुताबिक अगर जो एट्रोसिटी का गुना अगर कोई करता है, हाँ, तो उसको तुरंत उसके अंदर तो नॉन वेलेबल ऑफेंस है, और पुलिस उसको क्यों मैंने अभी तक अरेस्ट नहीं कर रही है, जबकि वो हर जगह पर कहाँ कहाँ है, उसके लोग पुलिस के कॉन्टेक्ट में हैं, सब जगह दिख रहे हैं, पब्लिक घूम रही है, हाँ, वो लोगों के बीच में हर जगह कहीं मीटिंग में दिख रही है, कहीं कहाँ दिख रही है, तो ऐसे वक्त में ये गंभीर गुने के अंदर अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये हम लोगों का सवाल है कि भाई इस गुने को इतना सीवियरिटी नहीं समझी जा रही है क्या कि इसके ऊपर एक्शन ली जाए। तो हम लोग आज मैंने जो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा यही सवाल है कि न्यायिक व्यवस्था क्या कर रही है, प्रशासकीय व्यवस्था क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं कि जो लोग इसके एट्रोसिटी के गुने के ऊपर तुरंत एक्शन नहीं लेने के लिए ये कर रहे हैं। एनसीपी का कोई डेलीगेशन मुंब्रा पुलिस से मुलाकात किया है अभी तक इस मामले को लेकर कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? नहीं, एनसीपी का डेलीगेशन जो है ये उस दिन एट्रोसिटी का गुना दाखिल करने के लिए जिस तरह से 354 आधे घंटे में हुई, और ये एट्रोसिटी का गुना दाखिल करने में 14 घंटे लग गए, तो जब 14 घंटे जैसे जैसे प्रोसीजर लेंदी होने लगी, वैसे वैसे पूरी एनसीपी की टीम ने वहां पर आंदोलन करके, और सिर्फ एनसीपी की टीम नहीं, तो जितने मैंने इनके समाज के लोग थे, वो समाज के लोग सिवाय मुंब्रा के रहवासी, ये सब लोग उसमें जुड़ के ये एट्रोसिटी का गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुंब्रा के अंदर सेक्युलरिज्म को मानते हैं, सेक्युलरिज्म के अंदर हम हर धर्म के संभव मैंने उनके साथ मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं, उनके साथ में हर जगह हम लोग जाते हैं, हाँ, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो उनके साथ जब इतना अन्याय है तो पूरे मुंब्रा की पब्लिक, एनसीपी पार्टी और बहुत सारे लोग भी वहाँ पर इंक्लूड थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डेलीगेशन गया नहीं, और खुद जिनकी FIR है वो रोज पूरा मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से टच में है, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे पास एक ही चीज़ है, क्या एक ही काम है, क्या दो काम थे, हम लोगों ने अभी नोटिस दिए, लेकिन क्या हुआ आगे, क्या हुआ, कुछ हो नहीं रहा। 5 दिन से एक चीज़ को ने जिसने पूरा मुमरा हिला दिया है, उस औरत को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, या कोई एक्शन नहीं हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, आप लोगों को भी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि एट्रोसिटी पे क्या एक्शन हुई है, हाँ, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी उठता है कि बार बार ये कहा जाता है कि आंदोलन सिर्फ मुमरा में ही क्यों, कलवा में क्यों नहीं हो रहा है? अभी ये केस तो मुमरा में हुआ है, तो मुमरा में ही आंदोलन होगा, इसका आंदोलन कलवा में कैसे होगा? और आप सभी ने देखा रहेगा, में भी है ना? नहीं, आप सभी ने कोई इस चीज की बात कर रहे, देखो इधर एट्रोसिटी का मामला चल रहा है, हम लोग अभी एट्रोसिटी के बारे में बोल रहे हैं।